दरौंदा उपचुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी शैलेंद्र यादव ने अपना दो सेट में नामांकन पर्चा दाखिल कर लिया। आपको बताते चले कि शैलेंद्र यादव के साथ भारी तादाद में उनके समर्थक भी सीवान में नामांकन के दौरान पहुंचे हुए थे। तो आइए सीधे ले चलते हैं जहां पर शैलेंद्र यादव ने नामांकन के बाद क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए बंटी के साथ सोमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमारी रहेगी कि स्वास्थ्य शिक्षा को सुधारा जाए, सबसे अहम स्थिति है उसको सुधारा जाए। अगर मान लीजिए दरौंदा विधानसभा के और दरौंदा के लोगों को दरौंदा में इलाज नहीं हो और वो सिवान में भी नहीं हो, उसको पटना और दिल्ली जाना पड़े, तो वैसे पीएससी रखने की दरौंदा में कोई आवश्यकता ही नहीं है, डॉक्टरों को बैठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इससे बेटर होगा कि उसको बंद कर दिया। मेरी प्राथमिकता होगी कि अगर दरौंदा के किसी गरीब के बच्चे का बीमार होता है, पेट में दर्द होता है, तो दरौंदा में ही ठीक हो, सिवान आने की भी नौबत न पड़े, इस तरह की व्यवस्था होना मेरी प्राथमिकता ये रहेगी। और शिक्षा की जहाँ तक सवाल है, शिक्षा को तो ऐसा चौपट कर दिया है ये सरकार कि खिचड़ी और पोशाक योजना कहे भाई, बड़े बड़े लोगों के बाल बच्चे जो है DPS डॉन बॉस्को दिल्ली और फ्रांस में पढ़ रहे हैं, पटना में DPS, उसमें क्यों नहीं खिचड़ी योजना चलाई जा रही है कि गरीब के बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर खिचड़ी योजना, इसलिए कि उसको बेरोजगार रखो, पढ़ करके तेज ना बने, इसलिए किया जा रहा है ना, वो उसमें शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की जा रही है, इसीलिए तो ऐसा चल रहा है। देश में बहुत बड़ी साजिश है ये, गरीब के बच्चों को अनपढ़ बना के रखो और वोट की राजनीति हो रही है। इस शिक्षा को जब वोट से जोड़ दिया जाएगा तो शिक्षा चौपट हो ही जाएगी, चाहे हम हो चाहे कोई। देखिए मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, हमसे सब लड़े, मैं तो जीत चुका हूँ, रिजल्ट घोषणा बाकी है, अब 24 को घोषणा होगी उसमें। जनता मेरे साथ चुनाव लड़ा था लेकिन जन समर्थन नहीं मिल पाया था, अब ऐसा क्या हो गया इतने ही दिन में कि जनता आपके साथ आ जाए? देखिए मैं पिछले बार नौकरी से भारतीय रेल से रिजाइन करके आया था, 31 दिन के अंतर्गत मैं चुनाव लड़ा था, मैं उस समय 21 दिन ही मात्र अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमा, इसलिए उसके पहले मैं सर्विस में था, उसे रिजाइन करके आया और चुनाव लड़ा, इसलिए मुझे मैं तो एक वोट लेकर के आया था अपना उस समय, लेकिन मेरे आह्वान पर और मेरे आग्रह पर मेरे निवेदन पर जनता ने मुझ पर विश्वास किया था, 13-14 हज़ार वोट चाहे 7 हज़ार वोट जो भी दिया, मेरे एक कहने पर हाथ जोड़ने से वोट दिया, उसके लिए मैं दरौंदा विधानसभा को धन्यवाद भी दिया था और अभी भी दे रहा हूँ। और मैं उस समय से लगातार अभी तक जनता की हर एक समस्या में खड़ा हूँ, चाहे जब हमको याद किया है उस समय खड़ा हूँ। इसी आशा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि दरौंदा विधानसभा की जनता मुझे अवश्य मौका देगी।